So now talking about vitamins and minerals. So vitamins are protective food as they protect us from many diseases. कर चुके हैं कि vitamins help करते हैं हमें बाकी जितनी भी diseases हैं उनसे protect करने में. They give us resistance against disease causing germs. So जब ये हम same पहले discuss कर चुके हैं तो next पे आ जाते हैं. Vitamins are A, B, C, D, K, E. They are obtained from fruits, vegetable, fish, liver oil, milk, eggs, etc. So, vitamins में क्या क्या आते हैं? Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin K, vitamin E. So, ये सारे vitamins हैं, ठीक है? अब वो ये धीरे धीरे और बड़ी क्लासेस में आप सीखोगे vitamin A में कौन कौन से products आते हैं, vitamin B किस चीजों से मिलता है, और अगर vitamin B की body में कमी हो जाए या vitamin A की कमी हो जाए तो उससे हमें क्या डिजीज हो जाते. तो ये सारा धीरे धीरे करके चलेंगे हम. तो अब ओवरऑल विटामिन्स किस किस में होते हैं? फ्रूट्स में होते हैं, वेजिटेबल्स में होते हैं, फिश, ये सारी चीजें. नाउ यू विल ऑब्जर्व यहाँ पे भी मिल्क है. सो दैट मींस मिल्क जो है एक आइटम है जिसमें प्रोटीन्स भी हैं, फैट्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं. गॉट इट? सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं. मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी. अब मिनरल्स हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं. दे इंक्लूड सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन एंड फॉस्फोरस. तो ये सारे बड़े बड़े नाम है, बड़ी बड़ी क्लासेस में यूज होते हैं. अभी के लिए जो इनमें से सबसे कॉमन आपने सुना होगा कैल्शियम. जैसे छोटे बच्चे को भी बोलते हैं कैल्शियम की टैबलेट्स देते हैं जिससे टीथ स्ट्रांग होते हैं. सो ऐसी और भी काफी मिनरल्स हैं जो ये बड़े बड़े नाम आप देख रहे हो, ये सब मिनरल्स है. लेकिन हमारी बॉडी को इसमें से स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायरमेंट है. ऐसा नहीं कि हमारा जो खाना बन रहा है जिसमें भर भर के कैल्शियम होना चाहिए या सोडियम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता. ओके, सो ये था विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में. अब हमने चारों डिटेल में भी, पांचों अपने डिटेल में भी डिस्कस कर लिए. सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक.